रमन को ये मेनू दो दो क्यों नजर आ रहा है? दो ही है, दो ही है। इशिता वाला मिसेज अय्यर अम्मा। दो अम्मा, दो इशिता। एक इशिता ये है ना, तो दूसरी इशिता ये। आयो संतोष जी, तुमने चश्मा नहीं लगाया है। ओए हम दो नहीं है, एक ही एक है, डबल डबल ले। ओए ये चश्मा नहीं तो क्या है? पिल्ले पिल्ले ना, हाथ पकड़ो, चलो ना, जा रहा है मुझे। चल 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 चल। अयो क्यों कार में नहीं जा सकते ना हम लोग? ये तो क्या है भाई, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग नॉट अलाउड। अच्छा गुड नाइट। गुड नाइट। अयो मैं ना क्यों, हम कार में नहीं जा सकते, हमें जाना तो है ना, मुझे रमन से मिलना है, प्लीज ना। बच्चा अभी जो मैंने इंटरव्यू दिया वो कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हो, फ्रंट पेज कवरेज होनी चाहिए। दिस इवेंट शुड बी द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड आपकी पेमेंट्स मैं शाम तक ट्रांसफर करवा दूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बस मुझे रमन से मिलना है और अभी मिस्टर भल्ला नहीं है यहाँ, अभी अभी गए हैं यहाँ से। चले गए? हम अभी बाहर से आए। चले? झूठ बोल रहा है। कोई भूल गई? हो नहीं सकता इतना ही रहा मैंने। चले गए? मैं बोल रही हूँ मुझे प्यार नहीं करते यार। एक भी ये पति भी जुड़ गई ना, मैं ये हंस रहा है मुझ पे अम्मा। I don't like it. मैं यही बैठूंगी, मेरे हस्बैंड को बुला के लाओ। आएगा मेरे को मेरा हस्बैंड चाहिए। मैं उनसे बात करूंगी। आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज मैडम प्लीज। मेरी बहू रो रही है और तू बोल रहा है जाए। तू रुफिट है मुंह तेरा। I want to talk to Raman. चलो बुलाओ बुलाओ रमन को। मुझे तेरी कोई बात नहीं। रमन ओए रमन, हमारे लिए लोटे लेकर आ। हेलो पुलिस स्टेशन। थैंक गॉड हम पैकिंग यूनिट में वक्त पे पहुंच गया, लेकिन डिनर इनकम्प्लीट रह गया हमारा। इट्स ओके रमन, फिर कभी। अच्छा अभी मुझे लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ। चलो एनीवे सर, आई ड्रॉप यू होम। या श्योर। आई एम सॉरी, आर यू ओके? यस आई एम ओके। चलो। ओह गॉड कि बहुत मिस कॉल, उसको एक कॉल कर लेता हूं। मुझे लगता है काफी लेट हो गया, शायद वो सो गई होंगी। जब तक मुझसे बात नहीं करी उसे नींद नहीं आएगी। ये किसका फोन है? हेलो, हाँ रमन भल्ला बोल रहा हूँ। व्हाट? अच्छा रुक के बाय। बेवकूफ, क्या हुआ? कुछ नहीं, किसी को मजाक सूझ रहा है, प्रैंक कॉल। अरे कहते हैं कि मेरी बीवी ने शराब पी के होटल में दंगा किया है, उसको जेल ले गए। इसी तरह शराब को छूती तक नहीं है यार। एक बार मैंने उसे पिलाई थी और मुझ पर भारी पड़ गया था। हेलो, अरे यार मजाक करें तो ढंग का मजाक कर यार, मेरी बीवी नहीं हो सकती, वो किसी और की बीवी होगी। देखिए ये कोई मजाक नहीं है, आपकी बीवी का नाम इशिता भल्ला है। साइलेंस। नहीं नहीं हाँ हाँ वो मेरी बीवी है इशिता भल्ला, मैं रमन भल्ला बोल रहा हूँ। सर जी इन्होंने पूरा पुलिस स्टेशन सर पे उठा के रखा हुआ है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आइए। और ये तो बुढ़िया, इन्हें तो कुछ ज्यादा ही जवानी चढ़ रही है, आप जल्दी आइए यहाँ पे। मम्मी और हाँ मैं आ रहा हूँ, मेरी बीवी सास और माँ सब जेल में, मैं जा रहा हूँ।
कौन सा तूफान आया था यहाँ? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। क्या हो गया आप लोगों? रमन, तुम्हारी अम्मा को बोलना उसका बुढ़ापा और मोटापा इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ बोल दूंगा, लेकिन है काम, पता तो चले। मामा, ओ रमन आ गया मेरा पुत्र। आजा आजा यार, बड़ा मजा आ रहा है। ये कबर्ड में बाहर किसे चढ़ा दिया ऊपर? आज मैं ऊपर आसमां अलमारी नीचे। अयो नीचे आ, कबर्ड टूट जाएगा। ओए बुड्ढी होएगी तू। तेरी सास, अरे तेरी जुआन। अयो तेरी सास को, अरे चुप करो करो। अरे दादी सास, और तूने देखा नहीं? अरे यार चुप करो यार। दादी सास हो गए दोनों यार। कमाल कर रही तो इशिता कहाँ है? अरे आप क्या नाच रहे हो? आपकी बेटी कहाँ है? इशू आएंगे मतलब इशू थी ना? अरे बाप रे, मैं आ गया। मौसम की जानकारी बताइए, नीचे उतर जा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अरे हमारे घर में भी इसको कोई नीचे उतारो यार। ए नीचे उतरो, ओए ऊपर आ। इसको प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। नीचे उतरो, ऊपर आ। अरे यार तेरे को मजाक कर, इसको नीचे उतारो यार। देख रहे हैं ना सब? अल्लाह, हां मैं देख रहा हूं सर, मैं क्या करूं? लेकिन मैं रमन, ए बाबू से तुम मत डरना, मैं हूं। अरे इनके बाबू से भाई से डर लग रहा है मुझे, तू गिरी ना भाई साहब। एक बात कहूं, हां ये आपके परिवार से? हां तो आप संन्यास ले लीजिए। आपके पास कोई खाली गुफा है? मुझे एड्रेस दे दीजिए। तू बन जा संन्यास। अरे सन्या सन्या, तू नीचे उतर यार। किससे चला दिया ऊपर? क्या करूं आज कल? अरे क्या ही गिरी के पागल हो गया? नहीं पे, नहीं पे बेटा, पांव जमीन पे नहीं आगे तो तेरा ना तेरी कंधों पे आ जाएगी, तू नीचे उतर। नहीं उतर सकी रमन। अरे मैं उतरता हूं, तू नीचे। इसको कुछ के कोई तरीका करो, इसको उतारो नीचे। आई स्वेयर रमन, मैंने पी नहीं है। हां नहीं नहीं हमने पी है। ओ शिट, मैंने पिया जी गई। ओ मेरी चुगली मत करना, कमाल है यार, तूने खुद ही पिया था। कोला था यार, हमने सारों ने कोला पिया, तूने भी एंजॉय किया। अरे यार बंद करो साहब, बंद करो। तुम नीचे उतरती हो या मैं पंखा चालू करती हूं? वो खुद ही ना, मैं भी मां का होता हूं, लेकिन मेरे बच्चे भी मां के हो जाएंगे। रुक जाओ, मैं कुछ करता हूं। सुन एक काम कर, इसके एक वीडियो ले लूं। ये बड़ा भाषण देती है ना मेरे को शराब पीने में, इसका एक वीडियो लेता हूं। मुझे बड़ा पता कर रहे हो? दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज ट्रेजेडी। डोंट लाइक जोक्स। अरे इवन आई डोंट लाइक जोक्स यार, बट दिस इज। खींच मेरी फोटो, खींच के दूंगा फोटो, नीचे उतर। इसको फोटो खींचे, देखिए सर, लेके जाइए इन्हें घर। अरे कैसे ले जाऊं? घर की औरतें हैं और ऐसी ऐसी हरकतें। अरे ये तो फंस। नीचे उतर, नीचे उतर बेटा। मैं उतरूंगी। अरे उतर जा, मेरे बच्चे भी मां के हो जाएंगे। तू कूद गई तो प्लीज आराम से उतर, आराम से उतर। इशू नीचे आना, इशू अपने पास। तेरे लिए कुछ है मेरे पास, कुछ लाया हूं। नीचे बता, तुम नीचे आएगा? आदि आदि रूही हमारे पड़ोसी सोसाइटी आदि दिल्ली में तकलीफ आई है। अगर तो नाक नहीं अड़ेगी तो बचेंगे कैसे लोग? कौन बचाएगा? दारू पिए मुझको डर लगा। अरे मदरसा संभाल अपने आप को, तुझे तो भगवान बचाए पागल। अरे क्या करी यार, कहाँ जा रही नागिन? इधर आ, इधर आ। अरे यार सो जा मेरी माँ। अरे अरे क्या हुआ रामू? I love you। क्या बात है? I love you too। Three, four times। I love you, Ram।
love you. You're the sweetest. बड़ा रोमांस आ रहा है तुझे? मैं बहुत रोमांटिक हूँ. चलो. तो चेहरे से नहीं पता लगता. चलो मैं भी तो दिखाऊँ. ये रोमांटिक है तू. ये तू ही कर सकती है मदरसा ऐसे टाइम पे किसी आदमी को ना पानी के कुएं तक लाके ना उसके हाथ पांव बांध सकती तू. अच्छा नीलू दीदी जी आप लोग चेक किया वो अभी भी सो रहे हैं क्या? हाँ चलो ठीक है उनको सोने दो. मैं नींबू पानी बना के रख रही हूँ जैसे वो उठे ना उनको दे देना. हैंगओवर कम हो जाएगा इससे. ठीक है. मैं अभी पार्टी के घर से आ रही हूँ. इससे माँ दादी पार्टी तीनों गहरी नींद में सो रहे खराबे मार रहे थे. यहाँ नीलू ने बताया वो अभी तक सो रहे हैं. आई कांट बिलीव इट आलिया दादी ने इशिमा को और यहाँ तक की पार्टी को भी लोडेड में रख दिया. ओह गॉड फनी तो क्या हो रहा होगा. यू नो व्हाट पता है जब अम्मा वापस घर आई ना वो नशे में एकदम छूट रही थी. पता नहीं कुछ अपना ही गाना गा रही थी. वाज वेरी फनी. माय गॉड पार्टी. अच्छा इससे ना मुझे तुम्हारे फेवर चाहिए. आज से ना अनन्या और पीयू का स्कूल स्टार्ट है. ओहो लोग तो सब सो रहे हैं. हाँ मैं अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर पाऊंगी तो तुम प्लीज जाके अनन्या और पीयू को रेडी कर दोगी. मैं तब तक उनका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ टिफिन रेडी कर देती हूँ. ओके मेरी आजा भाभी आपका हुक्म सरा. थैंक यू. नीलू दीदी आप प्लीज उनके जो यूनिफॉर्म है ना और बैग्स हैं वो रेडी कर दो. ठीक मैं भी. ठीक है चलो आप बैठो मैं तुम्हारी चोटी बना देती हूँ. इशिमा मेरी चोटी बनाती है ना मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ. नहीं नहीं पीहू मैं बना देती हूँ ना चोटी. अरे पर इशिमा ही मेरी चोटी बनाती है. पीहू इशिमा की ना तबीयत थोड़ी खराब है एक दिन मैं बना देती हूँ. अरे अब मैं तो भूल ही गई मैं तो तुम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज लाई थी. चाहिए तो बैठो 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 दोनों बैठो. अनिलो दीदी जरा दोनों के बैग्स तो लाना. हाँ मैं लेके आती हूँ. कैस करो क्या. ओपन योर बैग एंड अरे बाप रे इतनी जल्दी. वाओ अनन्या दीदी देखो न्यू बॉटल. वाओ न्यू पेंसिल बॉक्स. अच्छा लगा. बहुत अच्छा. मैंने सोचा कि अब तुम दोनों का फर्स्ट डे स्कूल का तो नई नई चीजें तो बनती है ना. थैंक यू मेरी दीदी. मोस्ट वेलकम. मैं अपने सारे फ्रेंड्स को मेरी नई वाटर बॉटल और पेंसिल बॉक्स दिखाऊंगी. और पढ़ाई भी करनी है. ओके लो अब मैं तुम्हारी चोटी बना दूं. जी दीदी मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी कि हमने 70th बर्थडे नानू का कैसे सेलिब्रेट किया. हां जी पर मैं तो दादू की बर्थडे पर थी ही नहीं. मैं तो समर कैंप में थी. मैंने तो दादू का बर्थडे मिस कर दिया. तो क्या हो गया अपने सारे फ्रेंड्स को अपनी मस्ती के बारे में बताना जो तुमने समर कैंप में की है. ओके और नीरू दीदी इनके बैग्स बाहर रख दो और जाके चेक कर लो ना एक बार कि आलिया ने इनके टिफिन पैक किए हैं. ठीक है. ओहो मुबारक हो हमारे घर में एक नहीं तीन तीन सेलिब्रिटीज पैदा हुए हैं भाई. इनों के फोटो तो छपे मेरी माँ मेरी बीवी मेरी सास. हाय हाय नाम रोशन कर दिया इन्होंने देखो. God, ये सब क्या है. मुझे नहीं पता था कि मेरे हर एक्शन का ये रिएक्शन होगा. मैंने तो बस एक विनेगर की बोतल फेंकी थी. बोतल तुमने फेंकी सेलिब्रिटी वो बन गए स्टार हुए में. हेलो आजी पम्मी आजी. हाँ आपकी स्टार दोस्त घर पे ही है छोड़ रही होंगी उठेंगी तो फोन करवाता हूँ. बाय. वैसे बड़ी फोटो जैसी लग रही है मदरसा ने ना गली में ज्यादा सुंदर लगती है यार. हेलो जी जी एक मिनट पापा फोन. हेलो हाँ मैं सुसु. हाँ जी कांड कर दिया इन तीनों ने. नहीं नहीं फिलहाल तो मैं अपनी बीवी सास और माँ को जेल से छुड़ा के ले आया हूँ घर पे. हाँ तीन देवियां भेजी थी तीन टल्लियां वापस लाया था मैं. बड़ा फनी है हंसने वाली बात है. क्या हो गया किस पे भड़क रहे हो तुम. तुमने पढ़ा नहीं न्यूज़पेपर में आज क्या है.
इश्मा दादी पार्टी तीनों ने शराब पी के तमाशे किए हैं, फ्रंट पेज पे छपी है न्यूज। अब सब लोग ना फोन कर करके दिमाग खराब कर देंगे। इसमें अम्मा की कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है मतलब? क्या छोटे बच्चे हैं क्या जो गलती करते घूमेंगे? और इन लोगों को भी अभी करना था जब मेरी लॉन्च डेट पास है। क्या आराम से यार, तुम्हें आइडिया भी है इन सब चीजों से कितना लॉस होता है बिजनेस में, कितना फर्क पड़ता है? I understand, लेकिन मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अम्मा ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। हम लोग तो मजाक कर रहे थे, वो दादी ने अम्मा के सॉफ्ट ड्रिंक में अल्कोहल मिक्स कर दिया था। हमें नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। हमें नहीं पता था मतलब? तुम्हें इस बात का पता था? हाँ। अगर तुम्हें पता था तो रोक भी सकती थी क्या दादी को? आदी, मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उनकी कोई गलती नहीं है और ऐसी बातें कोई याद नहीं रखता। प्लीज यार आलिया, ऐसी बातें कोई नहीं भूलता है, और उन लोगों के मजाक के चक्कर में नहीं ये हुआ है आज। मिस्टर तनेजा पहले ही हर बात का इशू बना रहे हैं, अब उनको एक और मौका मिल गया मुझे सुनाने का। कोई सही नहीं है इस परिवार, सबके सब। एक तो वो इश्मा बिना क्या आदि को क्या हो गया, हर बात पे इतना गुस्सा करता है। अरे अम्मा की गलती नहीं है, फिर भी वाह, फ्रंट पेज पे फोटो आई है भाभी। थैंक यू। हाँ हाँ, वो भी फ्रंट पेज पर। यार आज तक तो मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट हासिल करके यहाँ तक नहीं आ पाया, तू आ गई है, क्या बात है। फ्रंट पेज पे न्यूज, मैं क्या लिखा है यहाँ पढ़ा आपने? भल्ला विमेन कॉज हैवक आफ्टर गेटिंग ड्रग। रमन क्या क्या लिखा है इन्होंने, ये क्या सोचेगी कि मैं कैसी हूँ? रिलैक्स कर मदरसन यार, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। छोटी बात कहाँ से है रमन, छोटी थोड़ी है, आप देखो आपने पढ़ा है इसको, क्या क्या लिखा है इन्होंने इसमें। अरे पता है यार, छोटी बात नहीं है, बट ठीक है ना। तू सोच तूने क्या एग्जाम्पल सेट किया, आलिया तक कौन से आ गई, सोच रही के वाह क्या सांस मिली। वैसे काम कर, तूने अपने सारे दोस्तों को बताया कि नहीं तेरा पेपर में फोटो आया? वैसे तू नहीं भी बताएगी तो उनका तो फोन आ जाएगा तुझे, तो बस तू उनकी मुबारकबाद दे, मैं चला ऑफिस। मिस्टर तनेजा का फोन, आई एम श्योर इन्होंने न्यूज़पेपर देख के फोन किया होगा। यह इससे पहले नहीं बात करती। दिस इज द लिमिट, अब तो हद पार हो चुकी है। अरे ऐसी कैसी माँ है तुम्हारी, वैसे तो बड़ी देवी बन के घूमती है और शराब पी के सड़कों पर तमाशा करती है, पर ऐसी औरत को तुम अपनी माँ बुलाते हो, टू मच। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मिस्टर तनेजा आप शायद भूल रहे हो कि आप मेरी अम्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लीज माइंड योर टंग। और आप एक छोटी सी क्लिपिंग देखिए, किसी को जज कैसे कर सकते हैं? अब छोटी मोटी गलतियां हर किसी से होती रहती है लाइफ में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसको हैंडल कैसे करना है। और अगर आपको हैंडल नहीं है करना आता है, तो प्लीज वो आपकी प्रॉब्लम है, प्लीज आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। और आइंदा आप मेरी अम्मा के बारे में ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर आपको कुछ और बात करनी तो मैं आपको बोल दूंगा आपका फोन आया था। और वैसे भी ये तो एक मजाक किया था, पता नहीं था ना इतना कुछ हो जाएगा। फिर भी गलती एक्चुअली मेरी है, वो विनेगर की बॉटल मैंने फेंकी ना, तो वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ। वैसे एक बात बताओ, आप ड्रंक होके ना बहुत क्यूट लगते हैं। बहुत क्यूट आपकी हरकतें, कुछ भी, आई स्टूपिड लग रही थी। मैं बहुत पागल हो जाती हूँ, आई डोंट वांट टू डू इट अगेन। इतना आपकी मम्मी आई है, शगुनों में एक मिनट। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।